बाहर का व्यू भाई कुछ ऐसा। ये प्रॉपर्टी ना भाई बिल्कुल हटके ही प्लेस पे है। उस्ताद आ गए हमारे। तुम्हारा कोई प्लान है लगता है मेरे को पकड़ के पेलने का इसमें, है ना? यहाँ पे आराम से सनबात ले रहे हैं यार। ये है जिसका मुए मुए हो गया है। अरे नहीं सुबह के 8 और अभी जस्ट उठे हम। ये भाई सो रहा है अपना और ये नीचे देखो, अरे नीचे कोई भी नहीं है, ये चला गया बाहर। इसका मतलब थोड़ा ज्यादा बैठा होगा बाहर। ये 3 बेड अपने खाली हैं अभी। रात को सोए हैं लगभग 2 बजे के आसपास और उसके बाद जो नींद आई है ना भाई पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। अब जाके उठे हैं और आज यहाँ से निकलना है भाई हमारे को। निकलेंगे 10:30 तक, रेडी होते हैं अभी। तो पहले दिखाता हूँ आपको बाहर का व्यू, फिर रेडी होते हैं, उसके बाद आपको मिलता हूँ मैं। तो भाई बाहर का व्यू भाई कुछ ऐसा। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से। सामने देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है ना। आज अराउंड हम यहाँ से निकल जाएंगे 10:30 से 11 बजे के आसपास और देन उसके बाद ना देखते हैं हम रास्ते में स्टे करते हैं नहीं करते। मतलब हम यहाँ से निकलेंगे लगभग 10:30 11 बजे के आसपास। अभी थोड़ी देर पूल में जाएंगे, फिर खाएंगे पियेंगे, देन रेडी होकर के फिर हम घर के लिए निकलेंगे और देखेंगे रास्ते में अगर हम लक्ष्मण झूला या राम झूला जा पाए तो। हर की बॉडी का देखते हैं, अगर रश नहीं हुआ तो ले जाएंगे और अगर हुआ ज़्यादा रश तो हम छोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अब देखो भाई सामने का व्यू देखो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ना भाई बिल्कुल हटके ही प्लेस पे है। तो भाई हमारे ये सिंगर आ चुके हैं, उस्ताद आ गए हमारे। आ जाओ जी आ जाओ, अब महफिल जमेगी। आते ही शुरू हो जाओ तुम। चलो रात को होती है, सुबह रियाज होता है। जो भी है महफिल हम दिन में मिलने वाले हैं। मैं लगा चले गए, मैंने बोला वो सुबह तो दे है नहीं चले गए। जितना भाई साहब टैलेंट है तो चलो एक हो जाए, एक लाइव सेशन हो जाए। बहुत हो गया। अरे अब तो पेमेंट लेंगे भाई, बड़े लोग हो गए हैं। तो भाई साइड में हो चुके हैं और अभी यहाँ पे जा रहा भाई पूल में। भाई 10 बजे का टाइम है, 11 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। हाँ भाई ये ले पानी की बोतल। तुम्हारा कोई प्लान है लगता है मेरे को पकड़ के पेलने का इसमें, है ना? बताया मुझे वैशाली ने अभी। अभी रुको तुम इतना घंटा तो रात को चाहिए था, तब तो खा लेंगे। क्या क्या प्लान है? कुछ नहीं आ रहा हूँ मेरे को। अब तो बाहर आ गया, अंदर आ गया। क्या बोल रहे? नहीं नहीं भाई भाई क्या बोल रहे? भाई तू भी आ गया कैमरामैन। मामा चल रहे थे बेल में, मैं कहते थे गाय मार ले भाई, तू भी आ जा। अभी वो आ जाएगा 10 बजे, आप पैसे कौट नहीं आएगा 10 तो कब के बच गए। आ जाता है Thank you.
ओ भाई हमें यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया भाई, चेकआउट करना था 10 बजे हमारे को, बट हमारे को यहाँ पे 11:30 बज चुकी है। अभी तक हमने कोई नहाए भी नहीं है, बस पूल में थे, अभी सब यहाँ पे ही हैं, यहाँ पे आराम से सनबाथ ले रहे हैं। यार मतलब जाने का मन नहीं कर रहा यार, यहाँ पे ना अलग ही एनवायरनमेंट है बिल्कुल। चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके ये हैं जूही बेंगलोर से, नहीं मुंबई से, सॉरी, ये है जूही मुंबई से, और इनका नाम क्या है विशाली, ये भी मुंबई से, वो है गुड़गांव से, दिल्ली से अपने अपने और साथ ये है। और ये है जिसका मोए मोए हो गया है। अरे नहीं मोए 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 ये डालना पड़ेगा तुझे जो मैंने बोला है। मोए मोए कैसे हुआ ये तो बता दो। हाँ स्टोरी स्टोरी बाद में बताते हैं। नहीं बताते नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा। स्विमिंग पूल से आ चुके हैं, अब रेडी होते हैं फिर ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो भाई नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं और अभी लंच का टाइम होने वाला है, 1:30 बजे के आसपास लंच होगा। हम थोड़ा सा लेट हो गए ना, 11:30 तक ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद थोड़ी देर किचन क्लोज हो जाती है। अभी 1.5 घंटा पे वेट करते हैं, अभी 4:15 हो चुके हैं लगभग। अरे धूप में भी आ जाओ, धूप बढ़िया लग रही है, आ जाओ। हाँ जी चलो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नहीं इंट्रो भाई इंट्रो इंट्रो क्या बोलूं। हाय हेलो कहाँ से हो, नाम क्या है? आई एम फ्रॉम मुंबई। एंड क्या बोल रहा है आगे? अच्छा बोल रहा। अरे हंसने की बात क्या है इसमें बताओ। आगे चलो म्यूजिक हो जाए एक उस्ताद जी की याद में। उस्ताद की याद में। तो रात को भाई देखा था ना हमारा जो शो था सिंगिंग वाला, उसमें मेन लीड थे वो, मेन लीड तो यही थे। कुछ भी हूँ वाले थोड़े में थोड़ी मैं थी। उस्ताद हाँ, तो तुम दोनों थे। चलो यार कुछ खेलने चलते हैं, आ जाओ। उस्ताद हुसैन उस्ताद हुसैन। तो वही सामान अपन रखते हैं गाड़ी में, फिर थोड़ी देर खेलते खा पी के जब निकलेंगे, रास्ते में थोड़ा शूट भी करेंगे। आज तो घर निकलने में इनको खेलने के लिए सिर्फ दिल ही मिला। सामान रखने जा रहे हैं भाई गाड़ी में जब तक। अरे वो तुम्हें देख के गाया जा रहा था भाई। भाई गाड़ी क्या देखो चमक रही है मस्त। चलो आओ खेले भाई, मैच हो जाएगा आज एक और बढ़िया। जाने से पहले 2-3 गेम और हो जाएगा। लाइट ऑन करो भाई यहाँ की। फुटबॉल में तो हमारा मैच ड्रॉ हो गया भाई, एक वो जीते एक हम। अब हम शुरू करेंगे ये उछल जाता है हाय। तो 3-4 लग गया। 3 उसकी स्नूकर की स्टिक्स है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं लंच करने, बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट तो हमने करा नहीं, पूल में बैठे रहे बस। लंच करते ही यहाँ से हम निकल जाएंगे। चलो भैया अब यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली,
इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी को बाय बाय बोलने का टाइम। चलो भाई जब तक गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, मिट्टी मिट्टी हो रखी गाड़ी। लेकिन भाई जब तक ऐसी गाड़ी ना हो ना, ये देखो जब तक ऐसी गाड़ी की हालत ना हो तो लगता नहीं कि भाई गाड़ी किसी एडवेंचर प्लेस पे से होकर आई है। क्या लग रही है, प्यार आ रहा बड़ा इस पे। चलो भाई गाइस बाय ब्रो, मिलते हैं जल्दी फिर। मिलते हैं जब तुम दिल्ली आओगे ना, फिर मिलेंगे, ठीक है? बिल्कुल। चलो भाई जोस्टल को बाय बाय बोलते हैं। तेरे वीडियो ले लूंगी एंट्री करते चलो भाई अब हम निकल चुके हैं फाइनली, करते करते हमको यहाँ हो चुके हैं 3:15। हमने सोचा था पहले 11:30 तक निकलेंगे, फिर बैठ गए, थोड़ी गेम खेल ली, खाया पिया और अब जाके हम फाइनली निकल रहे हैं। पहुँच जाएंगे 6 घंटे के अराउंड, थोड़ा मतलब रुकते रुकाते जाएंगे, बीच में खाना पीना होगा, बस ट्रैफिक ना मिले, अगर ट्रैफिक मिला ज़्यादा तो फंस जाएंगे। बस थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच रह गया। तो भाई इस टाइम पे तो कोई ट्रैफिक हमारे को मिला नहीं है, जब हम इसी रोड से हम जा रहे थे, जब हम 1.5 घंटा यहाँ पे खड़े रहे थे, वो रहा गाइस लक्ष्मण झूला नीचे। लेकिन इस टाइम पे भाई बंद है, शाम को ओपन होगा। भाई मैं कितने साल पहले आया था यहाँ पे, बहुत छोटा था, ओके। तो भाई हम मेन जो माउंटेन एरिया वो तो हमने क्रॉस कर लिया, कुछ इस तरीके का हमारा नज़ारा। हाँ मतलब वही सर, नाम नहीं पता, हमें कुछ नाम याद नहीं। ये मेन रोड से कितना दूर पड़ेगी यहाँ से? हम दिल्ली जाएंगे सर, ज्यादा दूर नहीं, पास कितना मतलब मेन रोड आने में कितने देर लगेगी? ठीक है सर, थैंक यू। रास्ते में भी रुका था हमारे को पुलिस वालों ने, 2 मिनट का बस गाड़ी चेक करी, कहते भाई जाओ, पहले पूछा कहाँ से आए, ऋषिकेश, गाड़ी खोलो भाई चलो। फिर हमने गाड़ी खोली, अपना डिक्की चेक करी, पाँचों लग गए भाई देखने के लिए। भाई बस अब निकल चुके हैं अपना, और अभी GPS में दिखा रहा है हमारे को 5.5 घंटे यहाँ से पहुँचने में, 265 किलोमीटर है, रात को 9:22 का अराइवल है, और अभी 4 तो बज चुके हैं, बस अब पहुँच रहे हैं आगे, हमारे को बस ट्रैफिक ना मिले। बाकी अभी थोड़ी देर में ना स्टॉप लेंगे जब 1.5 घंटे 2 घंटे बाद,
पता चल जाएगा एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि मेन एक बार सिटी क्रॉस हो जाए ना उसके बाद पता चलेगा। तो भाई वो सामने आ गया हर की पौड़ी, और इस बार भाई हम विजिट तो कर नहीं पाए यहाँ पे, बट नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। वो देखो भाई वो हर की पौड़ी के सामने कितना सुंदर लग रहा है, और भाई रश तो अभी भी बहुत है यहाँ पे देखो, मतलब फिर भी पहले से कम है, बट अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमारा अभी भी हमारा जो GPS है वो दिखा रहा है भाई रात के 9:30 बजे तक का अराइवल, तो 11:10 तो बज ही जाएंगे, 10:30। तो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे इसका। अभी भी जो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, एक्सपीरियंस किया ना भाई, वो भी बहुत ही अमेजिंग था, कुछ हटके था। हॉस्टल में हमने फर्स्ट टाइम स्टे किया था, एंड एक्सपीरियंस भाई बहुत ही अमेजिंग रहा। एंड नेक्स्ट टाइम देखेंगे कहाँ का प्लान करते हैं, अगर हॉस्टल होगा तो डेफिनेटली हम हॉस्टल को ही चूज़ करने वाले हैं। बाकी लोकेशन आपको पता ही, ऋषिकेश मोहन चट्टी में हमने लिया था हॉस्टल। यहाँ पे 3 हॉस्टल हैं वैसे ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला के पास है और एक हरिद्वार के बाद, मतलब वहाँ उस एरिया में 2 हैं, और एक अपना मोहन चट्टी वाला जहाँ हम स्टे करके आए हैं। अब हरिद्वार हम क्रॉस कर रहे हैं, दिल्ली हमारा रहता है यहाँ से 203 किलोमीटर। से रहता है लगभग हमारा 2.5-3 घंटे का रास्ता। अभी बर्गर किंग पर ब्रेक लिया हमने, भूख लग रही थी भाई बहुत तेज, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा खाएंगे और फिर निकलेंगे। भाई मन नहीं है भाई बिल्कुल भी ना इसका, ना मेरा घर जाने का मन तो कर रहा है कि मतलब घर मन कर रहा है कि आगे निकल जाए घूमने के लिए, बट भाई जाना तो है ही, अब टाइम हमारे पास इतना। तो टोल फ्री कराएगा तो 10 सेकंड से ज़्यादा खड़ा हो गया। पता नहीं हम यही कहीं खड़े हो गए। अभी हमारा डिस्टेंस रहता है यहाँ से 75 किलोमीटर, 1 hour 35 minutes। ये ना चल रहे भाई आज, हम निकल गए पहले, इंदिरापुरम पहुंच गए। हाँ सीधा घर ही आ रहा हूँ, नहीं घर आ रहा हूँ। और ये गाइस हम आश्रम आते हुए बस अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब तो ना 14 किलोमीटर रहता है यहाँ से भाई, 40 मिनट बस, इतना तो पूरे रास्ते में नहीं लगा टाइम जितना अब दिल्ली दिल्ली में लगेगा हमारे को। हाँ गाइस 30 मिनट में आ गए थे सही। तो भाई हम अभी पहुंच चुके हैं फरीदाबाद, और भाई को अब ड्रॉप करते हैं, ये ट्रिप ख़त्म हो रही है भाई। देखो मन तो बिल्कुल भी नहीं कि अब ऐसा मन हो रहा है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वापस से ऋषिकेश निकल जाएं, लिटरली यही लग रहा है, बट भाई ठीक है। तो बनाएंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रिप अपना। अब
ड्रॉप करके भाई को फिर निकलूंगा मैं घर के लिए। तो भाई भाई पहुंच गए फाइनली हम, और भाई का घर भी आ चुका। निकाले भाई सामान, चलो भाई जा रहे हो बाप भाई के भाई अब। चल तो सामान रख पहले यहाँ। चल भाई बाय बाय, मिलते हैं हम जल्दी। ओके बाय। तो भाई चलो। अरे मेरे भाई वो हमारे दोनों के होट ड्राई हो गए बहुत ज़्यादा, बाहर का खाना खाई ना, फिर पानी भी तो नहीं पिया नहीं, इस वजह से होगा। तो भाई भाई को ड्रॉप कर दिया एंड अभी रात के हो रहे हैं 9:30। हम चले थे भाई कितने बजे वहाँ से, अराउंड 3:30 बजे के आसपास चले थे आई थिंक। तो 9:30 बजे पहुँचे हैं, 6-6.5 घंटे लग गए हैं। रास्ते में थोड़ी देर हमने ब्रेक लिया था एंड उसके बाद हम नॉन स्टॉप ही आए हैं। रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं मिला, थोड़ा सा दिल्ली साइड में मिला था, बाकी हर जगह पे मतलब ठीक था, नॉर्मल था। तो चलो अब बाकी भाई बहुत अमेजिंग रही हमारी ये ट्रिप एंड मैं होप करता हूँ आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितने हमने एंजॉय किया। फिर बनाएंगे दोबारा, बाकी ओवरऑल तो सब बढ़िया था एकदम। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, पूरी सीरीज़ को लाइक कर देना अगर आपको पूरी सीरीज अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट टाइम और भी बढ़िया बढ़िया सीरीज़ लेकर के आएंगे। एंड भाई अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ इस बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।